यूपी में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे बुआ और बबुआ में तकरार बढ़ती दिख रही है, जिसके चलते बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीएम अखिलेश यादव को एक बार फिर बबुआ कहा। मायावती ने अखिलेश पर हमला करते हुए कहा कि सपा का सीएम वाकई बबुआ है, जो अपने भाषणों में हाथियों का जिक्र करना नहीं भूलता। लगता है हाथी सपनों में बबुआ को परेशान कर रहे हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर आयोजित रैली के दौरान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव पर निशाना साधा। मायावती ने बोला कि अखिलेश ने साबित कर दिया है कि वो बबुआ ही हैं, क्योंकि वो हर सभा में ये कह रहे हैं कि पार्क में जहां हाथी खड़ा था वही खड़ा है और बैठा था वही बैठा है। उनका यह बयान दिखाता है कि वो अभी भी बबुआ ही हैं। मायावती ने कहा कि मेरी सरकार द्वारा बनाए गए अम्बेडकर के पार्कों में हजारों की संख्या में लोग आते थे। हमारे पार्कों में टिकट का चार्ज लगता है, जिसका पैसा सरकार में जाता है। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी जनता का पैसा सैफई महोत्सव में अपने परिवार के मनोरंजन में बर्बाद करती है, जिससे कोई आय नहीं होती। मायावती ने कहा कि नोटबंदी के बीच बार बार हमारा नाम ले अखिलेश यादव फ्री में हमारा प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें, मौका था बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस का, जहां मायावती ने कहा सपा मुखिया और उनके बबुआ की जो आर्थिक और सामाजिक तरक्की हुई है वो बाबा साहब की देन है, नहीं तो ये सभी किसी ना किसी की गुलामी कर रहे होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने भाषणों में बार बार कहते हैं कि बसपा के लगाए हाथी जो बैठे थे वो बैठे हैं, जो खड़े थे वो खड़े हैं। ऐसी बचकानी बातें एक बबुआ ही कर सकता है। हुसबान सिद्दीकी, JK247 न्यूज़, लखनऊ।